नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी एंड नानक नाम मशीनरी कंपनी एंड अनमोल मशीनरी कंपनी जो हमारे YouTube चैनल है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी कोई ना कोई नवी वीडियो हर रोज़ आती रहती है, आप हमारे चैनल को वीडियो देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे हमारी नई नई वीडियो जो होगी आपके सारे हर रोज़ नई नई वीडियो जो है आपको आती रहेगी और आप उसमें आपको नॉलेज मिलती रहेगी बिजनेस के बारे में। हम नया नया जो बिजनेस है बिजनेस के बारे में रोज़ नॉलेज देते रहते हैं। आप जो बिजनेस है आज मैं आपको देने जा रहा हूँ जो नॉलेज जो है वो नोटबुक मेकिंग मशीन जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि नोटबुक जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि हर घर में इसको नोटबुक कॉपी की ज़रूरत है और स्कूल कॉलेज हर जगह रेस्टोरेंट हर जगह पेपर की ज़रूरत होती है, इसलिए जो नोटबुक है इसकी हर जगह ज़रूरत है। बच्चे छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक हर बच्चे को नोटबुक तो चाहिए चाहिए, ठीक है सर। तो जो मशीन है ये फुली ऑटोमेटिक भी है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है, हर टाइप का आपके बजट के हिसाब से आप मशीन ले सकते हो। उसमें एक नंबर मॉडल से लेके हमारे पास 8 नंबर मॉडल तक है। 3-in-1 मशीन भी है, 4-in-1 मशीन भी है, सेमी ऑटोमेटिक भी है, हमारे पास सभी तरह हर टाइप के मॉडल है। तो जो मशीन है उसकी जो जानकारी है मैं आपको इसको बाद में वीडियो भी आपको मेरी वीडियो पूरी देखना, बाद में आपको मशीन की वीडियो भी मैं आपकी चला के दिखाऊंगा, आप उसको पता चल जाएगा सेमी ऑटोमेटिक मॉडल या ऑटोमेटिक मॉडल कौन सा है, उसमें सर आपको पता चल जाएगा। और जो जो नोटबुक बनाते हैं आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। जैसे ये नोटबुक है, ये देखिए ये नोटबुक 30 रुपये वाली नोटबुक है, ये 30 रुपये वाली नोटबुक जो है 1 किलो में से 10-12 कॉपी बन जाती है। इसमें इसमें जो कॉपी है 30 रुपये वाली कॉपी 10-11 रुपये में आपको कॉस्ट करती है, 17-18 में होलसेल में बिक जाती है, आगे दुकानदार 30 की बेचता है, 5-6 रुपये कॉपी का प्रॉफिट आ जाता है अच्छा खासा। और 1 घंटे में 1000 कॉपी सेमी ऑटोमेटिक जो मॉडल है उसमें बन जाती है, और जो फुली ऑटोमेटिक वाला मॉडल है उसमें 2500 से 3000 कॉपी बन जाती है। जैसे 7 नंबर मॉडल उससे 3000 से भी ऊपर चले जाती है कॉपी। आप जो है 1 घंटे में इतना बना के लेबर कॉस्ट भी बहुत कम लगती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक मशीन में लेबर भी कम लगेगी, लेबर कॉस्ट भी कम आएगी, आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा आएगा। आप ये अच्छा खासा बिजनेस बढ़िया बिजनेस है, इसका रॉ मटेरियल भी बहुत इजी मिल जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल है हर शहर में हर सिटी में इसका रूल्ड पेपर है, जैसे ये वाला ये रूल्ड पेपर हर जगह मिल जाता है, ऐसे वाला ऐसा रूल्ड पेपर है, डेट एंड पेज इसमें पड़ा रहता है, ये डेट एंड पेज इसमें रहेगा सारा कुछ लगा हुआ है, ये रूल्ड पेपर है। और बाहर वाला टाइटल जो है वो भी आपको प्रिंट हुआ मिल जाता है, स्कूल के नाम का ले लो या कोई भी अपना ब्रांड बना लो उसके नाम का, ये देखो ये टाइटल है बार वाला, ये 2 कॉपी का डबल कॉपी का है, इसमें डबल कॉपी बनती है, जैसे ये कॉपी डबल बनी हुई है, ये देखिए ये डबल कॉपी बनी है, ये डबल कॉपी बनी हुई है, इसको बाद में कटिंग मशीन में कटिंग करेंगे, इधर कटेंगे हाफ करेंगे, ये 2 कॉपी हो जाएगा। डबल कॉपी तभी बनती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा निकल जाती है डबल कॉपी बनाने में। आपका ये बार वाला टाइटल है ये भी प्रिंट हुआ मिल जाता है, आपका नाम स्कूल का नाम ब्रांड नेम इधर कुछ भी लिखा सकते हो, आपका एड्रेस नीचे इधर आ सकता है, कोई वेबसाइट एड्रेस आ जाता है, और इसके अंदरली साइड में जो है इसका इंडेक्स पेपर भी इधरली प्रिंट होता है इसका, ये देखिए। ये मैं आपको रॉ मटेरियल के बारे में सारा कुछ आपको समझा दिया, बाकी नोटबुक भी इसमें अच्छा खासा मतलब बन जाता है, प्रॉफिट भी अच्छा आ जाता है। बाकी मैं आपको इसकी मशीन की रनिंग जो वीडियो है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, और आप मेरी वीडियो पूरी अखीर तक अंत तक देखा करो, जितनी मेरी वीडियो आती रहती रोज़ नया नया बिजनेस जो है आपको अपडेट हम करते रहते हैं। दोस्तों मैं सर आपको जो हमारे जितने भी वेरिएंट मॉडल है जितने भी हमारे मॉडल है मैं मॉडल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ लग जाए कि कौन से मॉडल में कैसी कैसी मशीन है, मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक कैसी है। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि जो लोएस्ट बजट है जिसके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है घर में काम कर सकते हैं वो 0 नंबर एक मॉडल है। 0 नंबर मॉडल में एक मैनुअल हैंड प्रिंटेड कटिंग है 18 इंची का, उसमें आप काम कर सकते हो, एक मैनुअल स्टिचिंग मशीन है और एक दाब प्रेस है। इसका मैं आपको वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, इसका वीडियो भी देख सकते हैं इसमें कैसे ऑपरेट होएगा।
ठीक है, ये बिल्कुल जीरो नंबर मॉडल है। फिर उसके आगे एक नंबर मॉडल है, उसमें ये देखिए एक स्टिचिंग मैनुअल है फोटो प्रिंटेड, और फिर उसके आगे एक दाब प्रेस है, एक 32 इंची का कटिंग है, ठीक है, मैनुअल कटिंग जो मोटराइज है वो 32 इंची का कटिंग है, वो है एक नंबर मॉडल आपका। एक नंबर मॉडल में भी थोड़ा सस्ते वाला मॉडल है, उसमें भी आप घर में घरेलू बिजली में सारा कुछ चला सकते हैं, और उसमें भी ये टाइटल है, इसको फोल्ड करके पहले स्टिचिंग कर लिया, फिर उसके बाद में दाब में प्रेस में उसको प्रेस कर लिया, फिर कटिंग मशीन 32 इंची का उसमें कटिंग कर लिया, वो भी आपका वो काम हो जाएगा, मतलब दो नंबर मॉडल में। फिर उसकी आप वीडियो, एक दो नंबर मॉडल की जो वीडियो, वो भी मैं आपको एक नंबर मॉडल की, वो भी आपको एक या दो नंबर वो भी आपको दिखा देंगे। आगे फिर आगे आ गया तीन नंबर मॉडल। जो तीन नंबर मॉडल है उसमें स्टिचिंग जो है मोटराइज हो जाता है, स्टिचिंग मोटराइज है, और उसके साथ में एक एज स्केयरिंग मशीन आ जाती है। एज स्केयरिंग मशीन में एज स्केयरिंग और एक कटिंग 36 इंची का आ जाता है, मैनुअल मोटराइज है भी 36 इंची। उसमें जो तीन नंबर मॉडल है उसमें आपका हर टाइप का नोटबुक बन जाता है, जैसे जीरो नंबर, एक नंबर, दो नंबर मॉडल है, उसमें 150-200 पेज तक कॉपी बन जाती है। जो तीन नंबर मॉडल है उसमें जो देखिए बड़ी मोटी कॉपी, देखो इतनी मोटी मैं कॉपी आपको बना के दिखा रहा हूँ, 200-300 पेज की, या 300 पेज जो कॉपी है, इतनी मोटी कॉपी 300 पेज की कॉपी जो वो भी बन जाती है तीन नंबर मॉडल से, जो है बड़ी मोटी कॉपी भी सब बन जाएगी उसमें, छोटी से लेकर मोटी कॉपी हर टाइप का बन जाएगा। तीन नंबर मॉडल में हर टाइप का नोटबुक बन जाता है, उसमें स्टिचिंग हो गया पहले मोटराइज, फिर उसके बाद एज स्केयरिंग जो होता है, एज स्केयरिंग वो भी हो जाएगा। एज स्केयरिंग ऐसे उसमें रखा, एज स्केयरिंग वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, वो वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी हो जाएगी। एज स्केयरिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद में 36 इंची कटिंग मशीन है उसमें रखोगे वो कटिंग हो जाएगा, उसमें हर टाइप का नोटबुक बन जाता है आपका। जो तीन नंबर मॉडल है ये सेमी मैनुअल मॉडल है, सेमी मैनुअल मॉडल है, और ये मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ अभी इसकी भी, और इसके आगे मैं दिखा आपको बता रहा हूँ चार नंबर मॉडल जो है। चार नंबर मॉडल में भी स्टिचिंग जो है वो मोटराइज है, फिर विकर मॉडल पूरा जो 5/8 वाली होती है वही, जो तीन नंबर चार नंबर में वही आएगी, और 5/8 वाली स्टिचिंग मोटराइज है, और उसके बाद एज स्केयरिंग है, एज स्केयरिंग है, फिर उसके बाद में जो कटिंग है इसमें आ जाती है ऑटोमेटिक सेंसर वाली कटिंग जो है, जो इसमें सेंसर लगे रहते हैं, सेफ्टी सेंसर, स्किन सेंसर लगे रहते हैं, उसमें हाथ आगे होएगा तब भी बंद हो जाएगी, हाथ पीछे करोगे स्विच भी दबाओगे हाथ पीछे करोगे तभी चलेगी, हाथ आगे होएगा तो मशीन नहीं चलेगी, सेफ्टी सेंसर लगे हुए हैं सारा कुछ। और जो हमारी एज स्केयरिंग है उसमें भी सारे सेफ्टी सेंसर लगे हुए हैं, हैवी ड्यूटी मशीन है, एज स्केयरिंग भी, कटिंग भी, हर चीज़ जो है हमारी, और अच्छी क्वालिटी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, ISO जो हमारा ये सर्टिफिकेट है आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ये ISO सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारे कैटलॉग जो इंडिया मार्ट का भी लीडर मतलब सर्टिफिकेट वो भी लगा हुआ है, ये देखिए हमारे मशीनों के कैटलॉग लगे हुए हैं, ये हमारा यूट्यूब में ये देखिए सिल्वर प्ले बटन भी हमें मिला हुआ है, ये हमारी अच्छी खासी बढ़िया यूट्यूब में भी परफॉर्मेंस है, ये भी हमको यूट्यूब ने दिया हुआ है, आगे हमारा जो गोल्डन है वो भी आने वाला है, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं है कि कंपनी, आप कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारी अच्छी खासी बढ़िया रेपुटेटेड कंपनी है हमारी, इसमें जो हमारी कंपनी है इसमें कोई कहीं से भी आप बुकिंग करा सकते हो, एडवांस दे सकते हो। कई लोग डरते हैं कि हमने ऑनलाइन कई जगह बुकिंग कराया मुड़के कुछ आता नहीं है, हमारी अच्छी ISO सर्टिफाइड कंपनी है, आप कहीं बुकिंग कराओगे आप आना है आ सकते हैं इधर ऑफिस में, हमारे फैक्ट्री विजिट कर सकते हो, नहीं भी आओ तो आप बुकिंग कराओ, हमारी मशीनें सभी डिस्पैच टाइम टू टाइम डिस्पैच हो जाती है, आप पेमेंट आ गई फुल तो डिस्पैच हो जाएगी, हम ट्रांसपोर्ट में डिस्पैच कर देते हैं मशीनें जितनी भी हैं। फिर ये देखिए जो मैं दोस्तों आपको पहले जो चार नंबर मॉडल दिखाए हैं, चार नंबर का मॉडल जो बताया मैं आपको, उसकी वीडियो भी आपको दिखाया हुआ है, आपको वीडियो भी दिखाया हुआ हमने, वो उसके जो चारों मॉडल है उसमें स्टिचिंग जो है वो स्टिचिंग के पहले जो फोल्ड करनी पड़ती है हाथ से कर सकते हो, जब हमारे पास एक मशीन स्टिचिंग मतलब फोल्डिंग भी मशीन है हमारे पास ऑटोमेटिक, अकेली फोल्डिंग लेना है, जब पहले चार नंबर मॉडल तक आप लेते हो मशीनें उसके लिए हमारे अलग से एक फोल्डिंग मशीन है, उसमें पेपर और टाइटल रखोगे ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होने के बाद आप स्टिचिंग कर सकते हो, आप स्टिचिंग भी कर सकते हो उसके बाद में, तो ऑटोमेटिक फोल्डिंग है जहाँ हाथ से फोल्ड कर सकते हो। उसके जो मैं पांच नंबर मॉडल का जो आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, उसमें जो स्टिचिंग एंड फोल्डिंग है
और जो फोल्डिंग भी हो जाती है तो उसी में स्टिचिंग भी हो जाती है। पहले स्टिचिंग हो जाएगी, फिर फोल्ड हो जाएगी, उसमें कॉपी निकलेगी, फिर एज स्केयरिंग में जाएगी, फिर उसमें कटिंग है नाल एक ऑटोमेटिक सेंसर वाली, वो मॉडल में ये मशीनें हैं। और हर मॉडल के साथ एक पैकिंग वाली मशीन हमारी एक एक्स्ट्रा है। पैकिंग वाली जो मशीन है हमारी, पैकिंग श्रिंक पैकिंग जो है, वो तीन तीन मशीन हर मॉडल में है। उसमें एक पैकिंग वाली मशीन है एक्स्ट्रा श्रिंक पैकिंग, वो भी साथ में ले सकते हो। जैसे पाँच पाँच दस दस कॉपी का ऐसे बंडल बन गया, 10 कॉपी बन गई, 10 कॉपी का आप रखा उसमें मशीन में, पूरा लेमिनेशन हो जाता है, ऊपर सारे रैप होके लेमिनेशन हो जाता है। उसमें कोई रस्ट नहीं पड़ेगी, कोई मतलब कहीं सिल नहीं आएगी कॉपी में, कहीं दुकान में मॉल में सप्लाई करना, वो श्रिंक पैकिंग में वो भी श्रिंक हो जाती है, पूरी कॉपी लेमिनेशन हो जाती है। पाँच नंबर मॉडल का बता दिया, उसका भी वीडियो साथ में आप देख रहे हो। आगे उसके मैं बता रहा हूँ, 6 नंबर मॉडल जो है, 6 नंबर मॉडल जो है फुली ऑटोमेटिक मॉडल है। उसमें स्टिचिंग, उसके बाद फोल्डिंग होएगा, जितनी भी पेन आपने कॉपी में लगानी है, जैसे 30 रुपए वाली कॉपी दो दो पेन लगती है, डबल कॉपी बन गई, इसमें 4 पिन लगा हुआ है, ये देखिए अब इसमें 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, उसमें प्रोग्राम सेट हो जाता है। प्रोग्राम आप इसमें सर्वो ड्राइव पूरा कंट्रोल लगा हुआ है, फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज। उसमें बड़ी कॉपी बनाना है, रजिस्टर जैसे बनता है ये वाला, इसमें 3 पिन लगती है, ये देखो 3 पिन लग गया, 1, 2, 3 पिन लगा। इसमें डबल कॉपी बनेगी, 6 पिन लगेगा। उसमें प्रोग्राम में जाके 4 पिन का प्रोग्राम सेट कर सकते हो, 6 पिन का सेट कर सकते हो। उसमें पिन लगेगी, फिर पिनिंग 4 पिन लग गया या 6 पिन लग गया, उसके बाद फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग होने के बाद उसी मशीन में एज स्केयरिंग भी साथ में होके कॉपी रेडी होके बाहर निकल जाती है। उसकी वीडियो भी मैं साथ में आपको दिखा रहा हूँ, देखो। और ये देखिए, फोल्डिंग होने के बाद आपने फिर कटिंग ही करनी है। उसके साथ एक कटिंग ऑटोमेटिक है, सेंसर वाली पूरी कटिंग है, उसमें कटिंग कर दिया, फिर आपने श्रिंक पैकिंग में पैकिंग कर दिया, वो फुली ऑटोमेटिक मॉडल है पूरा ये। फिर उसमें एज स्केयरिंग जो है, एज स्केयरिंग देखना भी, कॉपी बढ़िया एज स्केयरिंग हो जाता है उसमें, उसमें एक्यूरेसी बढ़िया आ जाती है उसमें। आप जो 6 नंबर मॉडल का मैंने बोला था आपको, ये बताया मैंने आपको कि पहले स्टिचिंग होएगा, फिर उसके बाद फोल्डिंग हो जाता है, उसके बाद एज स्केयरिंग होके तीनों काम होके ही कॉपी रेडी होके बाहर निकल जाती है। उसके बाद आपने कटिंग ही करनी है। ये 3 इन 1 जो मशीन है, 3 मशीन का काम एक मशीन ही कर देती है। इसमें लेबर कॉस्ट कम आती है, लेबर कम लगेगी आपको, कॉपी में प्रॉफिट भी ज्यादा आ जाएगा। उसमें आप कॉपी बन गया, कटिंग हो गया, फिर उसके बाद श्रिंक पैकिंग में पैकिंग कर दिया, आपकी कॉपी रेडी हो गया, उसका वीडियो भी आप देख रहे हो। उसके बाद मैं आपको 7 नंबर मॉडल का मैं बता रहा हूँ। 7 नंबर मॉडल जो है वो 3 इन 1 मशीन सेम है उसमें, जो 6 नंबर मॉडल में है। उसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग एंड एज स्केयरिंग होके कॉपी ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। उसके बाद जो कटिंग मशीन है, इसमें 7 नंबर मॉडल में कंप्यूटराइज है पूरी। उसमें जो कॉपी का जैसे साइज है, आपने कटिंग करना है, जो पीछे मॉडल है, जो उसमें जो साइज है, आपने स्केल से नाप के नहीं सेट करना। उसमें पूरा कंप्यूटराइज, मैं वीडियो भी में भी दिखा रहा हूँ आपको, जो ऊपर प्रोग्राम लगा है, उसमें एक बार प्रोग्राम आपने सेट कर दिया, वही साइज हर बार कटिंग आएगा। कटिंग जो करोगे आप सेम निकलेगा। आज जो कटिंग कर रहे हो, 15 दिन बाद कटिंग करोगे, वो सेम साइज कॉपी का निकलेगा। वो उसमें मॉडल में कटिंग का ही डिफरेंस है, कटिंग ऑटोमेटिक है, पूरी कंप्यूटराइज है उसमें 7 नंबर मॉडल में। उसके बाद में जो आगे वाला एक मॉडल है, 8 नंबर मॉडल है। 8 नंबर मॉडल में हमने फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो पूरा डिजाइन किया है, बना है हमारा, वो आपको उसकी भी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। उसमें है कि पहले स्टिचिंग होएगा, फिर उसके बाद फोल्डिंग, साथ में एज स्केयरिंग, साथ में उसी मशीन में ही कटिंग हुई, साथ में होके कॉपी बन के रेडी होके पूरा बाहर निकलाएगा कटिंग होके। आपको कुछ का अलग अलग मशीन पे काम करने की जरूरत नहीं है। उसमें और भी लेबर कॉस्ट कम आएगी, लेकिन वो मशीन थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। जेकर आपका बजट हो तो 8 नंबर मॉडल भी ले सकते हैं, नहीं तो 6 नंबर, 7 नंबर मॉडल आपके बजट में आता है तो वो ले सकते हैं ऑटोमेटिक वाला। जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो फुली ऑटोमेटिक मशीन 8 नंबर है, उसमें लेबर कॉस्ट आपकी कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा आपको। ऐसे 6 नंबर, 7 नंबर मॉडल भी ऑटोमेटिक ही है, वो भी ले सकते हैं, या 8 नंबर मॉडल में और भी कॉस्ट कम आएगी आपकी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है। इसमें मैंने आपको सारा सभी मॉडल जो है हमारे, उसमें बता दिया मैं आपको, ये मॉडल है। बाकी रॉ मटेरियल के बारे में भी बता दिया है कि रॉ मटेरियल हमारे पास भी मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह रॉ मटेरियल मिल जाता है, और हम बता भी देते हैं कहाँ कहाँ रॉ मटेरियल मिल जाता है। मैं अभी फिर दोबारा आपको एक बार दोस्तों बता रहा हूँ कि इसमें जो नोटबुक है, जो बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है। इसमें ये देखिए, एक मैंने आपको बताया, ये पेपर लगेगा, ये पेपर हो गया जो मैं बता रहा हूँ, ये एक टाइटल लगना है इसमें, ये टाइटल लगेगा, और एक पिन ये लगती है जो स्टिचिंग होती है,
इसमें जो स्टिचिंग होती है ये पिन लगती है, पिन का जो वायर का रोल है ये देखिए वायर रोल है, ये वायर रोल भी हमारे पास भी मिल जाता है, ये वायर रोल साथ में मिल जाता है रॉ मटेरियल के ही वायर, ये मशीन में लगाया ऑटोमेटिक पिन लग जाता है। इसमें तीन ही चीज़ें पेपर और टाइटल और वायर, ये रॉ मटेरियल इसमें लगता है। और इसमें जो श्रिंक पैकिंग करनी है उसका रोल एक लगेगा, श्रिंक जो पैकिंग करनी है उसका रोल लग जाता है, उसमें भी कॉस्ट कम आती है। जो श्रिंक पैकिंग मशीन है उसमें भी पावर सेविंग मशीन है हमारी, उसमें जब आप श्रिंक करोगे तभी उसका हीटर ऑन होते हैं, पंखा ऑन होता है, नहीं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, आपकी पावर सेविंग हुई है उसमें। तो आप जो मशीनें जो सभी मॉडल में आपको बताया है दोस्तों, ये देखो जितने भी मॉडल है, ये देखो मॉडल में आपको बताया है, ये सभी मॉडल जो है आप घर की लाइट जो पंखा बिजली जिसमें चलता है उसी लाइट से आप मशीनें जो है वर्क कर सकते हो घर की लाइट में। जेकर आपके पास थ्री फेस कनेक्शन है फिर वो बता सकते हो कि थ्री फेस मशीन भी मिल जाती है हमारे पास, थ्री फेस भी मिल जाती है, सिंगल फेस भी मिल जाती है। जेकर आपके पास थ्री फेस कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन लेने की थ्री फेस जरूरत नहीं है, जो घर की लाइट है उसी में आपकी मशीनों सभी चल जाती है, वर्क हो जाती है। बाकी दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखिए ये नोटबुक है जो बनी हुई है, देखो ये नोटबुक ऐसे ही बन जाती है, रेडी हो जाती है सारी जो नोटबुक है, ये देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसी वाली नोटबुक है, ये सभी ऐसे अलग अलग डिजाइन है जो भी आप देख सकते हैं, ये डिजाइन आ गया है, ये डिजाइन आ गया कवर का, कुछ भी डिजाइन जो है आप अलग अलग डिजाइन की नोटबुक जो है आप बनवा सकते हो कवर। ये देखिए ये ऐसे वाला भी डिजाइन है, कोई भी डिजाइन है बढ़िया क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, जैसे क्लासमेट की कॉपी है वो क्लासमेट की कॉपी जैसी क्वालिटी हर मशीन में जो है कॉपी बन जाएगी, और अच्छी खासी जो अच्छी मशीन लोगे तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा, कॉपी भी अच्छी बनेगी। जेकर मशीन कहीं से हल्का लेते हो कुछ लेते हो फिर उसकी प्रोडक्ट जो आपका वो ही अच्छा नहीं बना तो मार्केट में आप सेल कैसे करोगे। दोस्तों जो ये मैं कॉपी के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया, ऐसे इसमें जो कॉपी बनती है कुछ कॉपी जो है इसमें स्पैरल बाइंडिंग कॉपी भी बनती है जिसमें पीछे स्प्रिंग पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग वाली कॉपी बनती है जिसमें होल होकर स्प्रिंग पड़ जाता है। स्पैरल बाइंडिंग जो कॉपी है दोस्तों वो भी मशीनों से यही लगनी है सभी जो मैंने मॉडल बोले हैं, उसके साथ एक स्पैरल बाइंडिंग मशीन भी हमारे पास होती है, उसकी भी वीडियो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, वो वीडियो साथ में चल रही है देख सकते हैं। उसमें जो स्पायरल बाइंडिंग है उसमें होल हो जाते हैं, उसमें चार टाइप की हमारे पास मशीन है स्पायरल बाइंडिंग, एक ऑटोमेटिक है पूरी मोटराइज है पूरी, उसके नीचे एक और मॉडल है, उसके नीचे एक मैनुअल मॉडल है, हमारे पास अलग अलग मॉडल है, कोई भी मॉडल ले सकते हो। बाकी जो भी मशीन है हमारे पास है, जो कॉपी वाली है आप उधर देख के वीडियो जो भी है आप समझ के इसको आप हमें व्हाट्सएप में कॉल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुए हैं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और जो हमारा कंपनी का हमारा बैंक अकाउंट नंबर है उसमें आप उसको एडवांस जो है बुकिंग करवा सकते हो। बुकिंग होने के बाद मशीन जो है कई बार तुरंत भी मिल जाती है, कभी कभी हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा होते हैं थोड़ा टाइम भी 10 दिन में 1 हफ्ते में मशीन डिलीवर हो जाती है, आप उसको आप बुकिंग करा सकते हो, बुकिंग कराने के बाद 10 दिन 1 हफ्ते में मशीन जो है हम आपको डिलीवर कर देते हैं। बाकी हमारा इंजीनियर जो है उसका जो भी थोड़ा खर्चा रहता है वो आपको जाके मशीन का ट्रेनिंग मशीन इंस्टॉल करके पूरा ट्रेनिंग दे देता है, मशीन चलाने का कॉपी बनाने का भी ट्रेनिंग दे देते हैं हम, बाकी हम रॉ मटेरियल का भी बता देते हैं, मार्केटिंग का भी आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया होता है वो भी दे देते हैं, हमारा इंजीनियर जाता है वो मार्केट के बारे में हर चीज़ का आइडिया दे देता है। बाकी नोटबुक के रिलेटेड जो भी कुछ परफेक्ट बाइंडिंग मशीन है और सीविंग सेक्शन सीविंग मशीन है, कुछ और भी किसी टाइप का भी मशीन चाहिए आपको, हर टाइप का हमारे पास मशीन है, और भी हमारे पास इसके मतलब और भी हमारे पास जैसे नैपकिन है, टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर है, ऐसे हमारे पास A4 पेपर है, और भी हमारे पास बहुत टाइप का मशीन है, जैसे वायर के रिलेटेड स्क्रू मेकिंग है, वायर नेल है, ऐसे और बहुत सारी मशीनें जैसे बार्बड वायर है, चैन लिंक फेंसिंग है, ऐसी कैरोगेटेड बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास जैसे दूसरी मशीनें आ जाती है, और जैसे कभी CNC रोटर होता है ना, जो CNC वो भी हमारे पास मशीन है, जो CNC रोटर है, जो डिजाइनिंग दरवाजों में कुछ लकड़ी का मार्बल में कुछ भी डिजाइनिंग करना है, कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हो, CNC रोटर उसको मशीन को बोलते हैं, वो भी हमारे पास मशीन मिल जाता है, वो भी घर की लाइट में चल जाती है, घर की लाइट में उसका मशीन का साइज 4 फुट बाय 8 फुट आता है, ऐसे वो भी मशीन हमारे पास फुली ऑटोमेटिक पूरी सर्वो ड्राइव वाली भी है, जिसमें
हर टाइप का भी काम हो जाता है, जैसे मार्बल का, स्टील का, एमएस का, कुछ अल्मीनियम का, कोई भी कर सकते हो, लकड़ी का कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। सीएनसी रोटर भी है हमारे पास, और भी बहुत सारे टाइप की हमारे पास मशीन है। जो भी आपको मशीन चाहिए हमारे व्हाट्सएप में हमें। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।